13 नवंबर 2014 जी हाँ, कलकत्ता का एडन गार्डन्स का मैदान, वहाँ पर रोहित शर्मा ने एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसके बाद कहते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री, सब चेस करते रह जाएंगे लेकिन वहाँ तक, उस मुकाम तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जो ये फोर्थ ODI खेला गया था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो एक डेड रबर कॉन्टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन कुछ और ही प्लान्स थे रोहित शर्मा के, जो वापसी कर रहे थे इंग्लैंड में एक इंजरी के चलते। उसके बाद उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ था स्क्वाड में, पहले 3 मैचेस में अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन ने ओपनिंग की थी, लेकिन जो फोर्थ ODI था वहाँ पे विराट कोहली जो एक टेम्प्रेरी कैप्टन थे, MS धोनी को भी रेस्ट दिया गया था, साथ ही साथ शेखर धवन को फोर्थ ODI में रेस्ट दिया गया और वापसी हुई रोहित शर्मा की। उन्होंने जो एक डेड रबर मैच को ऐतिहासिक, जैसे कहते हैं हिस्टोरिक मोमेंट में तब्दील कर दिया, क्योंकि आप स्टैट्स देखिए उनके, महज 173 गेंदों में 33 चौके और 9 छक्कों के साथ 264 रन की पारी खेली थी। 264 जो एक टाइम पे एक टीम बनाती थी ODI में, जो पूरा कलेक्टिव एफर्ट होता था एक टीम का, वहीं एक इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर बना दिया था रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से अपने फेवरेट एडन गार्डन्स के मैदान पे। लेकिन इस पारी में और क्या खास था, मैंने आपको एक रोचक किस्सा तो बता ही दिया जहाँ पे वो खेलने नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी उनको खिलाया गया फोर्थ ODI में। जो वापसी हुई, ऐसी वापसी मतलब सब मानते हैं कि ऐसी वापसी कोई नहीं कर सकता, रोहित शर्मा इतने बेमिसाल, इतने लाजवाब बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी सबसे जो इंटरेस्टिंग जो इसमें फैक्ट है, सबसे जो इंटरेस्टिंग जो एक पहलू है वो ये है कैसे वो अपनी जो पारी में कैसे गियर्स बदलते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि उन्होंने ODI में सबसे ज़्यादा 3 दोहरे शतक बनाए थे, उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे ये रीज़न है कि वो अपनी जो पारी है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली पेस करते हैं। तो सबसे अच्छा है उनका जो ये एक कहते हैं ना नैक ऑफ स्कोरिंग रन है, मैं आपको बता देता हूँ ब्रेक डाउन करके। पहला जो उनका 50 रन आए थे वो आए थे 72 गेंदों में, उसके बाद उन्होंने गियर शिफ्ट किया और अगला 50 से 100 28 गेंदों में बनाया, उसके बाद 100 से 150 रन 25 गेंदों पे आए, और फिर उनने जो 151th बॉल पे और 46th पारी के ओवर में 200 रन बना लिए। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं महज 15 गेंदें ली उन्होंने और 200 से 250 रन का स्कोर बना लिया। ये इंडिविजुअल स्कोर की बात हो रही है, जी हाँ, इसमें टीम कंट्रीब्यूशन या टीम का स्कोर नहीं था। टीम का जो स्कोर था वो तो था 404 5 विकेट के नुकसान पे जब 50 ओवर के एंड में पारी समाप्त हुई इंडिया की, और पारी जो रोहित शर्मा की भी समाप्त हुई थी। जी हाँ, जो 50th ओवर का जो लास्ट बॉल था वहाँ पे एक 6 कनेक्ट करने के चक्कर में वो आउट हुए थे, वो सोच रहे थे 264 को 270 कर दो, लेकिन फिर भी उनको 3 जो कहते हैं ना एक जीवन दान दिए श्रीलंका के प्लेयर्स ने। 3 बार उनका कैच ड्रॉप हुआ, 1 बार शुरुआती पारी में, 2 बार 200 के आसपास जब उनका स्कोर था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काउंट करवाया अपने, जो कहते हैं ना आप यू हैव टू मेक इट काउंट, अगर आपको वो मिलती है, अगर आपको कभी ना कभी लक फेवर करता है तो आप अपनी हिस्ट्री खुद लिखते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, वही किया रोहित शर्मा ने। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इतना बड़ा स्कोर किसी ने बनाया नहीं है अभी तक। अगर ODI की बात की जाए, एक पारी में 33 चौके किसी ने नहीं लगाए। अगर आप लिस्ट ए की बात करें, लिस्ट ए क्रिकेटर्स की बात करें या पर्टिकुलरली इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, ODI की बात करें, 33 चौके किसी ने भी एक पारी में नहीं लगाए। लेकिन वहीं पे अगर छक्कों की बात की जाए तो छक्के भी सबसे ज्यादा एक पारी में उनके, हालांकि वो दूसरी इनिंग में आए थे, इस इनिंग में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा इतने लाजवाब, इतने अद्भुत खिलाड़ी हैं, एक मैच विनर है, सिंगल हैंडेडली किसी भी दिन किसी भी प्लेयर का जो चलना बहुत ही लगभग बहुत ही वैसा वाजिब माना जाता है, बहुत ही नॉर्मल माना जाता है, लेकिन फिर भी जब रोहित शर्मा चलते हैं तो वो ऐसे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो ये था हमारा पर्टिकुलर अपडेट, अगर बात की जाए 264 की जो हिस्टोरिक मोमेंट थी, हिस्टोरिक फीट जो रोहित शर्मा ने अचीव की थी ईडन गार्डन्स के मैदान पे श्रीलंका के विरुद्ध फोर्थ ODI में खेलते हुए, लेकिन वो आज ही का दिन यानी 13 नवंबर था 2014 में, जब विराट कोहली की लीडरशिप के अंडर, विराट कोहली की लीडरशिप के और उनके साथ साथ उनकी जो पार्टनरशिप के साथ 202 रन की पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, और पूरे लास्ट डेकेड की देख लीजिए, ODI हिस्ट्री की देख लीजिए, सबसे बेस्ट ODI नॉक थी वो 264 जो उन्होंने बनाए थे श्रीलंका के विरुद्ध ईडन गार्डन्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।